सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी पास्ता मसाला पेने, जो इसका पैकेट कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसके बारे में हम लोग आज रिव्यू भी देंगे कि प्राइस के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के हिसाब से एंड टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो रेसिपी के हिसाब से इन्होंने बोला है कि जो इसका मसाला है, 2 कटोरी पानी में हमें इस मसालों को ऐड करना है एंड उसका एक घोल बना लेना है, मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। तो एज द सेम वे मैं भी प्रोसीजर पूरा फॉलो करूँगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने कम करके डाला था, जो कि है मटर। मैंने खुद काउंट किया था जो कि 6 मटर था सच में, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा। तो सेम वे मैंने बाकी प्रोसीजर फॉलो किया, मैंने 2 कटोरी वाटर ऐड किया एंड मसालों को ऐड किया एंड दैट्स इट, हमारा घोल रेडी है। फिर उसके बाद हम लोग ये जो घोल है इसको हम लोग ना ऐड कर लेंगे पैन में, ठीक है, मिक्सचर को, एंड इसे बॉईल होने देंगे। एंड बॉईल होने के बाद जो हमारा पास्ता है वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। एट द सेम वे पास्ता जब भी बनाते हो तो भी हमें खोलते हुए पानी में ऐड करना होता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने मटर कम डाला था, सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे अलग से इसमें ऐड करना पड़ा। अब तुम ही बताओ, पैकेट पे दिखा के बोलते कि इतना ज़्यादा है, ठीक है, पैकेट में खुद दिख रहा है बट एक्चुअली में अंदर होता कुछ भी नहीं है, 6-7 ही है। तो एग्जैक्टली 5 मिनट में ये रेडी भी हो जाता है कुक करके। एंड यस, एक हिसाब से अगर मैं बोलूँ इसका रिव्यू के बारे में, तो 25 रुपये में इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सच में बेटर है, बट अगर बोलूँ क्वांटिटी के मामले में तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। उससे अच्छा मैं मैगी के 2 छोटे वाले पैकेट खरीद के बना लूँ, वो क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।